दिनांक 25/9/2016 रोजी वेळ सकाळी 9:30 सुमारात मुखेड शहरात 13 वर्ष असलेल्या अल्पवयीन मुलीवर 50 वर्षाच्या माणसानं चंदू कावडिया याने बलात्कार केला. पेपरला बातमी 30 तारखेला आली. 30 तारखेच्या पेपरची बातमी वाचून पाहिलं असताना आम्ही काही महिला कार्यकर्त्या मिळून पीडित कुटुंबांना भेट देण्यासाठी गेलो. बच्चे को ये तीन भाई है, दो बहन है और दादी साथ रहती थी, पापा साथ रहते थे. सुबह में पापा काम पे चले जाते थे, दादी के साथ सारा दिन रहते थे और वो आदमी आके बाहर आके खड़े रहते थे इस लड़की के साथ, ऐसे सामने देखते रहते थे. तो उसको लड़की को ऐसे नहीं हुआ था, ये मर्द हमारे के साथ बुरी बात समझ के मेरे सामने देखते. वो दादा कहते थी, लड़की दादा, दादा कहती थी. एक स्त्री होगी, स्त्री के लिए गई थी टोपले बेचते. मेरी बच्ची घर थी, मेरी बच्ची घर थी, छोटा मेरा लड़का यह घर था. इसको स्कूल 5 रुपए दे के भेज दिया उसको. और लड़की को घर लेके गई बैठने के लिए. लड़की मना करके मैं घर नहीं आती, चपाटे बनाती. मेरी मम्मी पापा टोपले बेचने गई, जबरदस्ती करके फुसला के लेके उसके घर गई. घर में घर घुस के बाहर से अंदर से कुंडी लगाई और लड़की को दोनों मुंह पे पट्टी बांधी. पट्टी बांध के हाथ पकड़ के लड़की को लेटा दिया. उसके पति ने, मीना ने हाथ पकड़े, उसके पति ने रेप करा. चंदू खावड़िया, मीना खावड़िया, दोनों ने मिलके मेरी लड़की का रेप करा. और फिर उसको बलात्कार करके आधे रास्ते पर उसकी बीबी छोड़ने आई. उसकी बीबी कहती है कि तू कुछ भी किसी को कहेगी तो तेरे मम्मी पापा को, तेरे भाई को, तेरे बहनों को, तेरे दादा को, तेरे कुटुंब ये सब है इधर, सबको जान से मार दूंगी मैं. और तेरी मम्मी पापा फेरी पे जाते हैं, उधर जाके हम छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देंगे. ऐसे करके इसको धमकाया. इसने कुछ कहा नहीं. फिर मुझे धमकी दी उसने कि किसी को बात ये बताएंगी तो सबको मार दूंगा. ऐसा सब मुझे बोला, उसकी बीबी और उसका पति, ऐसा सब बोल के मैं डर गई. तो मैं किसी को बताई नहीं. तो फिर मैं मशीन पे जा रही तो उधर वो भाई आए, मुझे बोले मैं फ़ोन करूँ तो ऐसी बातें मेरे साथ कर और मैं बोलो ऐसा लिख और सब मुझे ऐसा बोले. उधर से 2 पत्र दे ले है और मेमोरी दे ली है. मेमोरी में सब उसने बोल रखे अपने गुजराती की बात में. उसके लेटर, लव लेटर लिखे 2, वो पुलिस थाने में दिए हमने. फिर मेमोरी भी पुलिस थाने में दिए. अपने गुजराती में सब गंदी गंदी बात कर रखी है पोरी के साथ. इतनी गंदी बात कर रखी कि दोनों मियाँ बीबी भी नहीं सुन सकते. इतनी गंदी बात कर रखी उसने. एक तो इतना बड़ा गुनाह कर रखा है और हम लोग को धमाके हैं, धमकी दे रहे हैं कि तुम बाहर निकलेंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लड़के कोई निकलेंगे उसको जान से मार देंगे. तुम्हारे को मुखेड़ में नहीं रहने देने. त्या भीती पोटी तुम्ही सगळे आज घरी आओ. हाँ, सगळे घर है. हम इधर से 10 दिन से घर पे है. 10 दिन से? हाँ, 10 दिन से घर पे है सब. अभी सुबह से भूखे बैठे, रात को जो मिलती है सूखी रोटी वो खा लेते हैं. पैसे के जोर के ऊपर उसने ऐसा किया. हम गरीब है. हाँ. क्या कर रहे हो? वो कह रहे तुम क्या कर सकते, तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता. इतना वो करके ऐसा लड़की के साथ उसने किया. हमारी इज्जत बड़ी है, गरीब है हम. हमें इंसाफ सही है. और आखिरी में दोनों को फांसी मैं जिंदा जिंदा देखती जाओ. मेरे ऐसा इंसाफ है देने का. हे नात्यातले नव्हत, एका गावातले नव्हत. त्यांचं गाव वेगळं आहे, त्यांचं गाव वेगळं आहे. जरी राजी एक असल तर जातीचे नव्हत, एका वयाचे नाहीत. पण इथल्या पोलीस कर्मचाऱ्याने असं प्रेम प्रकरण आहे, एका जातीचे आहेत, एका राज्यातले आहेत म्हणून पाठीमागं टाकून 2012 त्यातील फाशीची शिक्षा होणारी कलम लावलं नाही. कारण ह्याचं की पैसेवाला होता, पैसा दिला आणि गरिबाच्या पाठीमागं कोणी उभा टाकत नाही, न्याय व्यवस्था नाही. आणि म्हणून मी हिडो बनलो. माझा हिडो फानाऱ्याने माननीय शहाणे साहेब पोलीस निरीक्षक जिल्हा कार्यालय नांदेड यांना फोनद्वारे संपर्क साधून कडक कारवाई करण्यासाठी विनंती करावं. फोन नंबर 024-62, फोन नंबर 23-45-04 या फोन नंबरवर संपर्क साधावा. मी शांता येवतीकर, राहणार फुलेनगर मुखेड, राज्य महाराष्ट्र, इंडिया अनहर नांदेडसाठी.